सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर जिसको अपन परसेंटेज बोलते हैं, उसको आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। इसमें अपन नए नए कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। परसेंटेज ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं बैठा, ठीक है ना। परसेंटेज आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परसेंटेज आपको हर जगह काम आने वाला है। परसेंटेज क्या है, आपको हर जगह काम आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये आपके मार्क्स को काउंट करने में काम आता है। कहीं भी जॉब, जहाँ भी जॉब करने भी जाओगे ना, वहाँ भी आपको परसेंटेज तो काम आने वाला है, ठीक है। मैथ्स की फील्ड में आप लोग जाओगे, वहाँ परसेंटेज आपसे उससे आपका आमना सामना तो होने ही वाला है कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखो कि जो परसेंटेज होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है। पर का मतलब आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ जैसे कि किलोग्राम, ठीक है। मार्केट में गए तो वेजिटेबल को परचेस करने गए, तो वेजिटेबल सेलर से सबसे पहले उसका भाव अपन पूछते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो एक किलो का प्राइस बताता है, इसका मतलब जैसे कि आलू है, आलू का 20 रुपये किलो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपीज पर, तो यही वाला हुआ रहेगा वाला पर, यानी कि 20 रुपीज पर किलोग्राम, यानी कि 20 रुपये किस पर, एक किलोग्राम पर। एक किलोग्राम पर कितने रुपये, 20 रुपये, ठीक है। एज इट इज पर मतलब सेंट, सेंट का मतलब होता है सर 100। तो 100 पर हम कोई भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो किस पर करेंगे, हम लोग 100 पर करेंगे। किस पर करेंगे, हम 100 पर करेंगे, यानी कि हम उसको 100 से कंपेयर करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कोई भी वैल्यू को हम किससे कंपेयर करके करेंगे, 100 पर फाइंड आउट करके करते हैं। किस पर, 100, क्योंकि सेंट का मीनिंग क्या होता है सर, 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 5% का साइन, तो आपको पता है कि सर परसेंट का साइन ऐसा होता है। तो 5%, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5% का मीनिंग क्या हुआ कि 5 किसमें से, 100 में से, किसमें से, 100 में से 5, 100 में से कितने, 5, 100 से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 में से। और जिस में से भी होता है वो वाला नंबर कहाँ राइट होता है, नीचे की साइड राइट होता है। जैसे जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक इंग्लिश का टेस्ट दिया, इंग्लिश का अगर आप टेस्ट देते हो, या फिर सोशल साइंस, या फिर मैथ्स का, साइंस का, किसी का भी आप टेस्ट देते हो, सपोज करो वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ टेस्ट के कितने होते हैं सर, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं आपके मैक्सिमम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। वो डिसाइड कर, डिपेंड करता है कि आपके क्लास टीचर उसको कितने मार्क्स का ले रहे हैं। तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स सपोज करो 25 है, यानी कि आप 25 मार्क्स अगर उस सब्जेक्ट में लेके आ गए, तो 100% मार्क्स लेके आ गए, मतलब कंप्लीट मार्क्स आप लेके आ गए, जितने मार्क्स का टेस्ट था उतने ही मार्क्स आप उसमें गेन कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखना है। सपोज करो आपको इस इंग्लिश का आपने टेस्ट दिया और उसमें आपको 22 मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए आपने, 22 मार्क्स आए, ठीक है। तो 22 मार्क्स जो आपने गेन किए हैं, कितने गेन किए सर, 22 मार्क्स गेन किए, किसमें से किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स हैं 25, तो 25 में से आपने 22 मार्क्स गेन किए। तो टीचर क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मार्क्स होता है उसको ऊपर की साइड राइट करते हैं, और जिस में से होता है उसको हम नीचे की साइड राइट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 में से कितने मार्क्स हैं, 22 मार्क्स हैं, इसका मीनिंग ये होता है, होता है कि नहीं होता, समझ में आया। इस चीज को आपने कभी गौर नहीं किया होगा, बस आपने ऐसे देख रखा कॉपी में, और कभी आपने टीचर से आस्क ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कि सर ऐसा क्यों राइट करते हैं ये मार्क्स ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने भी आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कहाँ आएंगे, आपके नीचे आएंगे, और जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो ऊपर आते हैं, ऐसे ही होता है। तो आपने ये चीज सीखी, ठीक है। और आप लोगों को सपोज करो कि मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 है किसी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का जब पेपर होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, मैक्सिमम यानी कि पेपर कितने नंबर का होता है,
100 मार्क्स का होता है। अगर पेपर आपका 100 मार्क्स का हुआ और 100 मार्क्स का पेपर अगर हुआ तो 100 कहां लिखाता है सर, यहां लिखाता है सबसे नीचे। और आपने जो मार्क्स गेन किए हैं, जो मार्क्स गेन किए, सपोज यू गेन द मार्क्स इन द 73 मार्क्स, अगर आपने गेन किए उसमें से, तो 73 मार्क्स आएंगे ऊपर आएंगे। यू गॉट द 73 मार्क्स आउट ऑफ द 100, टोटल कितना है 100 में से आपने टोटल मार्क्स स्कोर्स को ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाते हो सर कि मुझे कितने मार्क्स है, 73 मार्क्स है, किसमें से आया सर, 100 में से, समझ में आया। तो यहाँ पर कितने परसेंट बन गए, अब परसेंट निकालना है तो परसेंट तो यहाँ पर 73, अब 100 परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है कि पर 100 की 100 में से उसको कितने नंबर आ रहे हैं, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, परसेंट होता है। तो यहाँ 100 में से 73 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें 73% बन रहा है यहाँ पर। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा कि 22/25, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 25 में से 22 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो 100 में से कितने आए होंगे, 100 में से कितने आए होंगे, वही निकालने के लिए इसमें क्या करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं मैं, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं कि 100 में से कितने आए होंगे, अगर 25 में से 22 मार्क्स आए हैं तो 100 में से कितने आए होंगे, वही निकालने के लिए मल्टीप्लाई करता हूं। समझ में आया। तो यहां पर परसेंटेज का मीनिंग किसी भी आउट ऑफ द निकालने के लिए किस तरीके से निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो 5% का मतलब क्या होता है कि 5% का मीनिंग क्या होता है कि 5% मींस 5 out of 100, तो 5 है 100 में से, इसलिए मैं 100 को नीचे राइट करता हूं, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा ही देखा होगा कि परसेंट एंड परसेंट का साइन हटा हुआ नीचे 100 से डिवाइड, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 22% का मीनिंग क्या होता है, परसेंट किस पर निकाला जाता है सर, हमेशा 100 पर निकाला जाता है। तो 22 है किसमें से, 100 में से, तो ये परसेंट का मीनिंग क्या हुआ, परसेंट का मीनिंग 100 हुआ तो 22 है किसमें से सर, 100 में से, आई कैन राइट इट ऑल्सो हियर, ठीक है ना। अब आप लोग इस चीज को देख करके क्या समझ रहे हो, ये आउट ऑफ है टोटल, ये आउट ऑफ है उसमें से ये इतने कुछ हैं, इतने नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे परसेंटेज। तो परसेंट का मतलब समझ में आ गया कि हम कोई भी नंबर लेंगे उसको 100 से कंपेयर करेंगे कि 100 में से वो कितना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर चैप्टर्स के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। परसेंटेज अगर मुझे दिया हुआ है तो सिंपल से अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने 5% लिखा था, कितना लिखा था सर, 5% लिखा था, तो परसेंट के फॉर्म में। तो अब ये 5% का मीनिंग क्या हुआ, आप लोगों को अच्छे समझ में आया, 5% का मीनिंग क्या होता है सर, 5 है किसमें से, 100 में से, तो कैसे लिखेंगे, 5 है किसमें से, 100 में से, तो जिसमें से होता है वो तो नीचे आता है ना, जिसमें से होता है वो तो नीचे आता है, अक्सर देखा है हम यूज करते आ रहे, लिखते आ रहे, तो पता नहीं आज तक क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। 5% का मीनिंग क्या हुआ, 500 में से, व्हाट इट इज, तो यही तो है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो सर डिवाइड कर दो 100 से, इससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, या इसको उस तरीके से समझो कि अगर परसेंटेज दिया हुआ तो 5%, तो 5 है इसमें से, 100 में से, क्योंकि सेंट का मतलब क्या होता है यहां पर, 100 होता है, तो हम सारी वैल्यूज को 100 में से ही निकाल के रखेंगे, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर में इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, फर्दर में रिड्यूस कर सकता हूँ, इसका मतलब 5 into 5, 5 to 10, इसका मतलब मैं इसको अगर फ्रैक्शन में पूरी तरीके से लिखना चाहता हूँ, 5% का मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर, 1/20 होता है, कितना होता है 1/20, तो ये फ्रैक्शन के अंदर इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, 1/20, ठीक है। अगली बात समझ में कि हम लोगों को जब भी परसेंटेज दिया हो उसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो आई कैन राइट इट हियर डिवाइड बाय द 100 एंड फर्दर आई विल सिंपलीफाई इट एंड आई विल गेट द आंसर, व्हाट इट नेक्स्ट। फ्रैक्शन को
परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसका जस्ट उल्टा हुआ, इसका जस्ट उल्टा हुआ, इसका परसेंटेज दिया हुआ था, फ्रैक्शन में अगर मुझे कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसका जस्ट उल्टा, यहां देखो कि फ्रैक्शन अगर मुझे दिया हुआ है इसको मुझे परसेंटेज में करना है तो इसका जस्ट उल्टा करना होगा ना, इसमें डिवाइड किया तो इसमें क्या करना होगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहां ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई, कोई सा भी फ्रैक्शन ले लेता हूं, सपोज करो 4/5 मैंने फ्रैक्शन ले लिया, यहां मैंने डिवाइड किया था ना, यहां मुझे डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल याद रखो, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो बस 80 ऑडिट ऑफ द स्टूडेंट, तो ये टाइम में चेंज हो गया मेरा, परसेंटेज में चेंज हो गया, क्योंकि मुझे परसेंटेज में लाना था, तो 4/5 का मीनिंग क्या होता है सर, 80% होता है, 4/5 का मीनिंग क्या होता है, 80% होता है, और आप 80% को लिख सकते हो 4/5, रिमेंबर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल, डेसिमल समझते हो ना, पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है। तो सपोज आई हैव अ 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको छोड़ो, अब इसको लिख देता हूं, तो 5 डिवाइडेड बाय, अगर 100 की बात करता हूं तो सर इसको आप बोलोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, या फिर इसको 1/20 ना लिखते हुए डेसिमल मुझे चेंज करना है ना, तो अगर कोई नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर मेरा 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हम लोगों ने कितनी बार पढ़ रखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जब भी 100 से डिवाइड हो रहा है, दो जीरो आ रही है यहां पर, तो दो जीरो ऊपर से टू डिजिट को काउंट करना है, 1 और 2 है ही नहीं, डिजिट टी, इसका मतलब वहां पर क्या है, जीरो है तो जीरो, एक तो जीरो काउंट करेंगे यहां पर, 5 कितना हो जाएगा, 0 5, और उसके पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये मेरा डेसिमल में क्या हो गया, सिंपल तरीके से मेरा चेंज हो गया, इसको चेंज करना था परसेंटेज को, परसेंटेज को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया, परसेंटेज मतलब ही क्या था, 5% था, तो 5% को मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, ये 5% था, परसेंटेज को मैं कैसे राइट कर सकता हूं, कैसे राइट कर सकता हूं, तो 5% को मैंने इस तरीके से राइट कर दिया, तो डेसिमल में उसको ऐसे चेंज कर सकता हूं, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब डेसिमल है, डेसिमल से अगर मुझे परसेंटेज में कोई नंबर चेंज करना है, डेसिमल में अगर दिया हुआ है, तो डेसिमल से अगर कोई नंबर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, मींस व्हाट, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर 12.5%, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12.5%, और 12.5 को अगर मुझे जी डेसिमल है, सॉरी डेसिमल, डेसिमल है, उसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में मुझे चेंज करना है, कैसे करूंगा इसको परसेंटेज में चेंज, डिवाइड करूंगा इसको सबसे पहले, तो ये कितना है सर, 1 1, यहां से डेसिमल हटाऊंगा, 10 करूंगा, अब ये मेरा क्या बन गया, पूरा फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप सिंपल यहां पे क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा सर, इसका ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके अपन इसको लगा सकते हैं, डेसिमल को मैंने किस में चेंज कर दिया, परसेंटेज में मैंने इसको चेंज कर दिया, व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट, समझ में आया, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अब ध्यान से सुनो थोड़ा सा, देखो जब भी आपसे इंक्रीजिंग की बात आती है या डिक्रीजिंग की बात आती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा आपकी बुक के, उठाऊंगा कुछ चीजें हैं, कुछ उसको समझो पहले, तो जैसे मेरे पास कोई नंबर है, सपोज करो आई हैव अ नंबर, फर्स्ट इंक्रीजिंग करना है, डिक्रीजिंग करना है, तो उसको कैसे करते हैं, उसको ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 45 रुपीज है, सपोज आई हैव अ 45 रुपीज, ठीक है, अब 45 रुपीज है, आपसे कोई बोलता है कि इसको 20% बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, 45 को क्या करना है सर, इंक्रीज कितना, 20% को मतलब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो 20% इसको इंक्रीज करना है, तो किस तरीके से कर सकते हो, 20% को इंक्रीज करना है, 45 रुपीज है, मतलब आपके पास अगर 45 रुपीज है, उसको आपको 20% बढ़ाना है, यानी कि आपके पास अगर 45 भी है, तो 45 क्या है आपके पास, 100% है, 100% का मतलब कि यहाँ पर 45 क्या कंसीडर करके चलेंगे अपन, 100% है, मेरे पास टोटल 100% है, तो 100% है, उसको मेरे को 20% बढ़ाना है, इसका मतलब 120% निकालना है, किसका निकालना है, 120%, तो इसमें हम सब भी हमसे इंक्रीज करने का बोलेगा, तो सिंपल हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें इसका मुझे क्या निकाल देंगे, हम 120% निकाल देंगे,
इसका 120% निकाल लेंगे। तो ये चीज आपको आती है समझ में कि किसी चीज का नंबर का किसी परसेंट निकालना, जैसे कि हाँ सिर्फ सीखो, अगर मेरे पास x परसेंट ऑफ y, अगर मैं मेरे से कोई बोलता है x परसेंट ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। x परसेंट ऑफ y, ऑफ का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और x परसेंट मतलब 100, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, y ऐसे मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, तो x परसेंट ऑफ y, ठीक है, आया समझ में, उसको इसी तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ किया। ये 45 का अगर मुझे क्या करना है सर, इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, 20% अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो अगर 45% मेरा 100 है, 45% मेरा कितना है 100% है, ठीक है, तो 45 अगर मेरा 100% है, इसका मतलब मुझे 20% इंक्रीज करना है उस 100% को, 20% इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा 45 का 120% निकालूंगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे, और हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 × 10 = 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 54। यानी कि जब मैं इसका 20% इंक्रीज कर रहा हूं, 20% अगर मैं इसका इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 54 रुपीज, कितना आ गया, 54 रुपीज आ गया, कितना आ गया, 54 रुपीज आ गया। Let's take some examples of your book, ठीक है, हम कुछ examples लेते हैं आपकी book के, चलो। चलो अब ध्यान से देखो कि इस टाइप के questions आपकी life में भी काम आने वाले हैं आप लोगों को, और आपको ध्यान रखना, सीखना यहीं पर सीखना है, ठीक है, और ऐसे percentage को ऐसे हवा में नहीं उड़ाना है, percentage को आपको बहुत अच्छे से practice करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है ना। चलो देखो, इफ 30, अब मेरे पास कोई एक नंबर है 30, उसको मुझे क्या करना है, इंक्रीजेस कितने परसेंट से इंक्रीज करना है सर, 42% से मुझे इसको इंक्रीज करना है, 42% इसको मुझे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 42% अगर मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, व्हाट विल बी द न्यू नंबर, तो जो नया नंबर होगा, इतना बढ़ाने के बाद सर 42% इसको इंक्रीज करने के बाद नया नंबर कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से सुनो कि जब भी आपको कोई नंबर यहां पर दिया हुआ रहता है ना, सपोज करो आपके पास 50 रुपए थे या 20 रुपए थे, कुछ भी थे आपके पास, 20 रुपीज थे सपोज करो, तो 20 रुपीज थे, उसमें से आपने 20 रुपीज ही आपके मम्मी को दे दी या फिर आपके फ्रेंड को दे दिए, ठीक है, 20 रुपीज थे और 20 रुपीज ही आपने आपकी मम्मी को दे दिए, तो 20 रुपीज आपने जब देने के बाद, तो आपने कितने परसेंट पैसे आपकी मम्मी को दे दिए, बताओ कितने परसेंट पैसे दे दिए। आप बोलोगे सर मैंने तो पूरा ही दे दिया, पूरे ही पैसे दे दिए, जितने मेरे पास थे ना उतने के उतने ही मैंने उस मेरी मम्मी को दे दिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे पास 100% पैसा था, तो मैंने 100% ही दे दिया, 100% ही मैंने क्या करा, मैंने दे दिया। इसका मतलब जो भी आपके पास नंबर होता है उसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि 100% है, कितना है, 100% है, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 रुपीज है, आपने 10 रुपीज आपके फ्रेंड को दे दिए, 10 रुपीज ही थे आपके, आपके पापा ने आपको 10 रुपीज दिए कुछ परचेस करने के लिए, 10 रुपीज आपके आपने आपके फ्रेंड को दे दिए, तो आपने कितने परसेंट पैसे, कितने परसेंट रुपीज आपने आपके फ्रेंड को दे दिए, तो आप बोलोगे सर मैंने तो पूरा ही दे दिया। पूरे देने का मतलब क्या हो गया कि 100% आपने दे दिया, तो जो भी नंबर आप कंसिडर करके चलते हैं वो हमारा क्या होता है, 100% होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर अगर 30 है, उस 30 को मुझे इंक्रीज करना है, 42% से अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब ये 30 मेरा क्या है, पूरा 100% है, 30 क्या मेरे पास 100% है। तो लेट्स टेक, अगर मेरे पास 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू अगर मेरे पास 30 है, ठीक है, 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 रुपीज है, ठीक है, जो भी इसको पड़ती है यहाँ पर परसेंटेज, समझ में आया। अगर मेरे पास 100% की वैल्यू अगर 30 है, तो मुझे कितना इंक्रीज करना है सर, 42% इंक्रीज करना है, इसका मतलब इसका मुझे 42% इंक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 42% इंक्रीज करने का मतलब 142, तो यहाँ पर मैंने 142 इंक्रीज किया, तो मैं क्या करूंगा, इस 30 का भी मैं क्या निकालूंगा, 42% निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 142% इसका मैं निकालूंगा, सिंपल तरीके से क्या करूंगा सर, मैं 142, क्योंकि इंक्रीज कर रहा हूं, तो कितना इंक्रीज कर रहा हूं, तो
इसको मैं कैसे निकालूंगा, 142% इसका मैं निकालूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 142% लिखना होगा। अगर 100% मेरा 30 है तो 142% लिखना होगा, ये निकाल लूंगा। ठीक है, तो लेट्स टेक इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 0 से 0 तो मेरा कॉस हो जाएगा। अब इसका जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो कितना आ जाएगा, 6 को जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, 10, है ना। जब भी डिवाइड में आपका 10 आ रहा है इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 42.6। गॉट इट स्टूडेंट। तो जब भी आपको इंक्रीज करना हो, इंक्रीज करना हो तो किस तरीके से हम इंक्रीज करते हैं वो यहाँ से आप सीख लिया। ठीक है, कैसे इंक्रीज करते हैं, अगर मेरे पास 30 रुपीज थे मुझे 42% इंक्रीज करना है, इसका मतलब जो भी पर्टिकुलर नंबर मुझे दिया हुआ है उसका मैं उससे बढ़ा करके नंबर ही ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि 100% तो 30 है तो 142% कितना हो जाएगा वो मुझे किस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग करने की बात आ गई है। हाँ, अगर यहाँ पर मुझे कितना इंक्रीज करना था, 142% की प्लेस पर अगर मैं आपसे बोल देता हूँ सर 60% आपको इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना, 60%, तो आप 30 का क्या निकालते, 30 का 160% निकालते। ठीक है, अगर मैं 70% की बोल रहा हूँ तो आप क्या करते, 170% निकालते। अगर मैं आपसे बोलता कि इसका इंक्रीज करना है मुझे 45%, तो आप क्या करते, इस 30 का 145% निकालते। ये कब करना है आपको, जब आपसे इंक्रीज करने का बोले तब। ठीक है, और जब आपको डिक्रीज करने का बोलेगा तो यहाँ पर मैं 100 में प्लस करके लिख रहा हूँ, वहां पर डिक्रीज करने में मुझे 100 में से माइनस करके लिखना है। सिंपल, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर डिक्रीज में माइनस करके लिखना है, इंक्रीज में प्लस करके लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 56 है, 56 को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है 40% से, डिक्रीज करना है कितने से, डिक्रीज करना है 40% से डिक्रीज करना है। इसका मतलब अगर ये 100% की मेरे पास वैल्यू है तो मुझे 40% इसमें से कम करना है, 100 में से 40% कम करना है। इसका मतलब 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो 60% मुझे निकालना है। किसका निकालना है, 56 का। तो मैं डायरेक्ट यहां से बोल सकता हूं सर मुझे तो 60% निकालना है। समझ में आया, यहां पर अगर वो इंक्रीज करने का बोलता, यहां अगर मैं इंक्रीज कर देता इंक्रीज बाय 40%, तो मैं 140% निकालता एक पर्टिकुलर नंबर का। ठीक है, क्या करता मैं 140% निकालता एक पर्टिकुलर नंबर का। समझ में आया, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे, डिक्रीज करने का बोल रहे, तो मैं इतना ही परसेंट 100 में से माइनस कर दूंगा, क्या निकाल दूंगा यहाँ पर 60% निकाल दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं 60% इसका निकालूंगा ये तो आपको आता है। ठीक है, अब इसका 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 33.6 पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा इंक्रीज कैसे करना है और डिक्रीज कैसे करना है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं हम लोग, चलो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे स्टेप पे परसेंटेज को और अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को आप लोगों का बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपकी लाइफ में भी काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमको हर वक्त परसेंटेज से काम पड़ता है, परसेंटेज निकालने से काम पड़ता है, परसेंटेज हमको देखना पड़ता है, हर चीज में काम आना है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से सीखना। ठीक है, और आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।